हेलो। सो आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था दो चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एक सबसे पहला था अपना इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल्स एंड सेकंड था ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, सो अभी जो थर्ड जो चैप्टर है अपना वो है ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम यानी कि इसमें बेसिकली आएगा आपका स्टीयरिंग सिस्टम एंड ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम आते हैं इसमें, एक आता है स्टीयरिंग, ठीक है, और एक आता है ब्रेकिंग सिस्टम। दो पार्ट्स में चैप्टर आपका डिवाइड हो चुका है, एक आएगा स्टीयरिंग सिस्टम और एक आएगा ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इन दो चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम। अभी देखो यहाँ पे इसने बताया, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सो द मेन फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रंट व्हील। तो ये क्या करता है, रोटरी मोशन जो रहता है, ठीक है, जो अपना जो व्हील रहता है उसका रोटरी मोशन जो रहता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रंट व्हील में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टीयरिंग कैसे रहते हैं, रोटरी मोशन रहता है, वो क्या करता है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है व्हील्स को। ठीक है, ये आपके यहाँ पे व्हील्स रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है रोटरी मोशन को कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टीयरिंग सिस्टम। द स्टीयरिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो मेंटेन द स्ट्रेट अहेड मोशन ऑफ द व्हीकल व्हेन इट एनकाउंटर पॉट होल्स एंड रोड बम्प्स एंड मस्ट ऑपरेट विद मिनिमम एफर्ट। और ये क्या करता है, एक स्ट्रेट मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी गाड़ी हमेशा कैसी जाती है, एक स्ट्रेट कंडीशन में जाती है। ठीक है, एक स्ट्रेट मोशन वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टीयरिंग सिस्टम। अभी हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, सो देर आर 7 फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है टू टर्न द व्हीकल एट द व्हील ऑफ द ड्राइवर। मतलब ड्राइवर अपने हिसाब से क्या करता है, गाड़ी को टर्न कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग। ठीक है, स्टीयरिंग के हेल्प से वो क्या कर सकता है, गाड़ी को टर्न कर सकता है। उसके बाद टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल, और क्या कर सकता है, वो जो अपने गाड़ी की जो डायरेक्शन है उससे भी वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद टू कंट्रोल द वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स, ठीक है, टायर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोशन। उसके बाद टू मल्टीप्लाई द एफर्ट ऑफ द ड्राइवर फॉर इजी ऑपरेशन। ठीक है, एफर्ट जो लगते हैं ड्राइवर को गाड़ी चलाने के वक्त, तो स्टीयरिंग से क्या करता है, वो इजी हो जाता है वो। उसका टू अचीव द सेल्फ राइटिंग इफेक्ट। ठीक है, सेल्फ राइटिंग इफेक्ट यानी कि अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, गाड़ी को चला सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम कौन कौन से। ठीक है, सो बेसिकली दो टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम आते हैं, एक आते मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम और एक रहते हैं पावर स्टीयरिंग सिस्टम। अभी जो अपने न्यू आपने व्हीकल्स देखे होंगे उसमें आता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम उसमें नहीं रहते, ज़्यादातर मैक्सिमम व्हीकल में अभी पावर स्टीयरिंग सिस्टम आ गई है। सो अभी मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम में आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आएगा वर्क एंड सेक्टर गियर स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा रैक एंड पिनियन गियर सिस्टम। उसके बाद रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। उसके बाद आता है कैम एंड लेवल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। और उसके बाद आता है स्क्रू एंड नट टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे पांच स्टीयरिंग सिस्टम आते हैं मैकेनिकल में। ठीक है, सो जो सिस्टम है उनमें से जो रैक एंड पिनियन एंड सर्कुलेटिंग, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद पावर स्टीयरिंग सिस्टम, हेयर द बेसिक एफर्ट इज अप्लाइड बाय ड्राइवर सप्लीमेंट एडिशनल एफर्ट जनरेट बाय हाइड्रोलिक पावर सिस्टम असिस्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। सो पावर सिस्टम में किसका यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रहता है और हाइड्रोलिक यानी कि फ्लूइड का यूज होता है वहाँ पे, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड यानी कि ऑयल, तो ऑयल का यूज करके वो क्या करते हैं, पावर स्टीयरिंग ब्रेक अप्लाई करते हैं। उसके बाद अभी इफेक्ट्स ऑफ बैड स्टीयरिंग सिस्टम ऑन ड्राइवर। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि अगर स्टीयरिंग सिस्टम अगर अच्छी नहीं रहे तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं ड्राइवर के ऊपर। सो सबसे पहला, फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व बाय द ड्राइवर इफ द स्टीयरिंग सिस्टम इज नॉट गुड। अगर स्टीयरिंग सिस्टम अच्छी नहीं रहे तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन वो फाइंड आउट करता है। तो सबसे पहला, प्ले इन द स्टीयरिंग गियर। ठीक है, प्ले इन द स्टीयरिंग गियर यानी कि गियर स्टीयरिंग गियर जो रहते हैं वो जाम होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हार्ड स्टीयरिंग,
स्टीयरिंग हार्ड हो जाती है, उसका साइड टू साइड वॉन्डरिंग द व्हीकल, गाड़ी एक साइड में चलने लगती है, ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद शिमी फ्रंट व्हील, जो फ्रंट व्हील है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। एबनॉर्मल टायर वियर्स, टायर जो रहेंगे वो वियर हो जाएंगे यानी कि ख़राब हो जाएंगे। एबनॉर्मल यानी कि एक प्रॉपर पोजिशन, प्रॉपर पोर्शन में ख़राब नहीं होगी, एबनॉर्मल पोर्शन में ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद पुअर रिकवरी ऑन टर्न्स, ठीक है, सो ये जो है ये साइड इफेक्ट है अगर स्टीयरिंग सिस्टम आपकी अच्छी नहीं रही तो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट इसका, द फ्रंट व्हील शुड रोल विदाउट लैटरल स्कीड व्हाइल निगेटिव टर्न, जो आपके जो फ्रंट व्हील से वो स्कीड नहीं होने चाहिए जब आपकी गाड़ी टर्न करेगी, ठीक है। उसका द टायर्स मस्ट हैव गुड इलास्टिसिटी सो दैट ऑन टर्न देम इज फॉलो एंड आर्क ऑफ ग्रेटर रेडी देन द स्टिप टायर, ठीक है। जो आपके जो टायर्स है उसमें इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद द व्हील मस्ट ऑटोमेटिकली कम टू स्ट्रेट पोजिशन आफ्टर निगेशन द टर्न, गाड़ी जब आपकी टर्न करते तो आपके व्हील जो रहते वो भी टर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो टर्न होने के बाद आपके जो गाड़ी के जो व्हील्स है वो स्ट्रेट ऑटोमेटिकली होने चाहिए, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो कैसी रहती है, अच्छी रहती है। उसके बाद द सिस्टम मस्ट बी इरिवर्सिबल टू सर्टेन डिग्री सो दैट मिनिमम फ्रंट व्हील शॉक्स आर ट्रांसमिट बाय द ड्राइवर हैंड्स, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहता है व्हील्स का वो भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो शॉक्स जो है अभी जो व्हील्स का जो शॉक्स यहाँ पे स्टीयरिंग की तरफ आएगी तो वो कैसा होता है, कम लगते हैं यहाँ पे जो शॉक्स जो रहते हैं वो कैसे रखते हैं, कम रखते हैं, ठीक है। सो ये थे रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टीयरिंग लिंकेजेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।